सीसीटीवी की ये तस्वीरें हैं बीजेपी के किसान मोर्चा के नेता अर्जुन चौधरी से सनसनीखेज हत्याकांड का। सीसीटीवी वीडियो गौर से देखिए। गुरुवार शाम करीब 5 बजे का वक्त था। वीडियो में अर्जुन चौधरी अपने भाई के साथ अपने अपार्टमेंट से टहलने निकलते हैं। दोनों भाइयों के अलावा सड़क पर सिर्फ एक शख्स नजर आ रहा है। तभी पीछे से एक बाइक आती है और गूंजती है गोली की आवाज। गोली लगते ही गोल्डन शर्ट पहने अनुज चौधरी सड़क पर गिर जाते हैं। उनका भाई उन्हें उठाने की कोशिश करता है। तभी बाइक से 2 लोग उतरते हैं और नीली टी शर्ट पहने वाला शख्स पिस्टल तान देता है। 18 सेकंड के भीतर करीब से 4 गोलियां चलती हैं। तस्वीरों में देखिए, 3 हमलावर हैं। सफेद शर्ट वाला बाइक पर है, उसके 2 साथी बिल्कुल करीब से गोली चला रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमलावर ये सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि हमले में अनुज चौधरी बच न जाए। गोली लगने के बाद अनुज को अस्पताल ले जाया गया। अनुज चौधरी को गोली लगने की खबर लगते ही इलाके के तमाम किसान नेता और उनके नेता अस्पताल पहुंच गए, लेकिन अनुज चौधरी को बचाया नहीं जा सका। आज करीब 5:30 के बीच में एक घटना हुई है थाना मझोला क्षेत्र में, जिसमें एक अनुज चौधरी नाम के व्यक्ति को कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा बाइक सवार अज्ञात बदमाशों के द्वारा मझोला थाना क्षेत्र में पास में जो एक हाउसिंग सोसाइटी है उसमें अंदर गेट के पास में घूमते हुए पीछे से आकर गोली मारी। उसमें एक जानकारी मिली कि 315 और 32 की पिस्टल से गोली मारी गई और यहाँ से सभी बरामद हुआ। और उसके बाद में इनको यहाँ पे ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में लाया गया, तो यहाँ पे इलाज के दौरान इनको मतलब घोषित कर दिया गया है। अभी सभी लोग हमारे यहाँ पर। परिजनों का आरोप है कि चुनावी रंजिश अनुज चौधरी की हत्या के पीछे की वजह है। बता दें कि अनुज चौधरी ने 2021 में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा था। वहीं असमोली से चुनाव लड़ते हुए महज 10 वोट से चुनाव हार गए थे। अनुज चौधरी ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले थे। बताया जा रहा है कि चुनाव के बाद से ही आपसी रंजिश बनी हुई थी। ब्लॉक प्रमुख के पति और उसके बेटे समेत 4 पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुरादाबाद में इस तरह सरेआम हुई हत्या से हर कोई हैरान है। पुलिस के मुताबिक अनुज को सिर और कंधे में 3 गोलियां लगी हैं। वहीं मौके से 4 खाली कारतूस मिले हैं। हथियारों को पकड़ने के लिए 5 टीम गठित कर दी गई हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुरादाबाद से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।